हेलो, आज हम SBI का ऑनलाइन न्यू रजिस्टर करेंगे। उसके लिए आपको अपने फ़ोन पे क्रोम होना चाहिए। क्रोम में से आप डालें SBI ऑनलाइन, तो इस तरह से आएगा। उसमें फर्स्ट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर जो तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे क्लिक करना है। उस पे जाना है आपको और उसमें करना है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। उसके बाद आपको करना है न्यू रजिस्टर, जो फर्स्ट आइकॉन है, मेन का आइकॉन है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको ओके करना है। आप पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो। उसके बाद हमें क्लिक करना है ओके पे। फिर प्रोसेस होकर आ जाएगा आपका कि आपको अगर न्यू रजिस्टर करना है तो यहाँ पे नेक्स्ट करें, ठीक है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं पर हमें न्यू रजिस्टर ही करना है, इसीलिए वही रखेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। और हाँ, अपने पास अपनी पासबुक लेके बैठना, उसमें से अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच कोड, कंट्री और आपका मोबाइल नंबर जो आपका इस अकाउंट से लिंक्ड होगा वो वाला नंबर डालना होगा। और आप जिस कंट्री से हो वो डाल दीजिए, हम इंडिया से हैं तो इंडिया डाल देंगे। फिर सिलेक्ट ट्रांजेक्शन राइट्स में होगा, तो उसमें भी आपको ऑप्शंस दिखेंगे कि आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट्स चाहिए, लिमिटेड चाहिए या व्यू राइट्स चाहिए। तो हमें डालना है फुल ट्रांजेक्शन राइट्स। फिर जो आपको नीचे दिखाई दे रही इमेज वो हम डालेंगे। उसके बाद सबमिट और आपके फ़ोन पे OTP आएगा, तो OTP डाल के कन्फर्म करें। फिर हमें आई हैव माई ATM कार्ड, उस पर क्लिक करना है और सबमिट करना है, क्योंकि हम ATM से प्रोसेस कर रहे हैं इसीलिए। फिर ये एक्टिव कार्ड्स आ जाएगा, हमें वहाँ पे नीचे कंफर्म करना है। और हाँ, पासबुक के साथ ATM भी लेके बैठे और उसमें से ये एक्सपायरी डेट, नेम, पिन और ये साइड में लिखा है वो करके प्रोसेस कर देंगे हम। यूज़र नेम डालें जो आप रखना चाहो, फिर आई एक्सेप्ट पे क्लिक करें, फिर न्यू लॉगिन पासवर्ड डालें और उसे दोबारा डालें कन्फर्म लॉगिन पासवर्ड पे और सबमिट कर दें। मैं एग्जांपल दे दूँगी साइड पे, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ भी सकते हो। फिर आ जाएगा कि सक्सेस हो गया है। फिर हमें क्लोज करके वापस मेन पेज पे जाना है, फिर वहाँ पे लॉगिन करना है और कंटिन्यू टू लॉगिन करना है वापस से। अगर आप एक बार ये पढ़ना चाहते हो तो एक बार पढ़ लीजिए ये सारी चीज़ें जो नीचे लिखी हुई है, और फिर बाद में हम करेंगे कंटिन्यू टू लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आ जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड, जो हमने पहले डाले थे वही इसमें डालने हैं। उसके बाद हम नीचे जो इमेज शो हो रही है वो हम डालेंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद वापस से आपको एक OTP आएगा, जो नंबर आपका लिंक्ड है पहले, जिसमें OTP आया था उसमें ही OTP आएगा, वो डाल के सबमिट करना है। और ये पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। उसके बाद हमें एंटर प्रोफाइल पासवर्ड करना है और कंफर्म करना है। और ये प्रोफाइल पासवर्ड है वो लॉगिन पासवर्ड था, इसलिए दोनों को अलग अलग रखें। उसके बाद हिंट क्वेश्चन में आपको जो सही लगे वो रख दीजिए और उसका हिंट आंसर भी आप रख दीजिए। यहाँ पे जो आपकी बर्थ डेट है वो आ जाएगी और नीचे डालना है आपको कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, और फिर सबमिट कर देना है हमें। उसके बाद आ जाएगा कि ये सक्सेसफुल हो गया है, तो या आपका ये प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तड़ा।